इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बी एच यू एंड यू वॉचिंग एसएस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इशूज को। काफी लोगों ने मैसेज किया है काफी दिनों से कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कि देखिए अभी आपका अक्टूबर है, ठीक है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, ये जो तीन मंथ है ना, ये तीन मंथ आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्योंकि देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पार्ट कंसेप्चुअली करना होता है वो इस मंथ में हो जाएगा। हाँ, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनका जा सकता है मार्च तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मार्च तक जा सकता है। जो लोगों को मान लो जो लोग कोचिंग अटेंड कर रहे हैं उनका तो सिलेबस ही खत्म होगा मार्च तक, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ प्लानिंग है आप ध्यान से सुनना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका इस दौरान कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। इस दौरान आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है थोड़ा बायो से, तो चलेगा, बायो से थोड़ा कंप्रोमाइज़ यदि करना पड़ रहा है तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं फिर बोल रहा हूँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने पढ़ाई का 80% टाइम कम से कम डिवोट करें फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ठीक है, 20% बायो को। बायो आप कर सकते हो, आप फरवरी भी दोगे ना, पूरा फरवरी दे दोगे 28 दिन, तो आप उसके दौरान ही बायो कर सकते हो। अच्छा, बायो के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और उस वो यदि जनवरी तक नहीं होगा तो उसके बाद आपको काफ़ी टेंशन होगा उसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप जनवरी तक कंप्लीट कर ले अच्छे से। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनमें तो मार्च तक जाएगा, तो मार्च तक के लिए उनका जा रहा है फिजिक्स, ठीक है, जिनका भी मार्च तक फिजिक्स और केमिस्ट्री जा रहा है तो वो साथ साथ में बायोलॉजी का भी ध्यान रखें, वो साथ साथ में बायोलॉजी का भी ध्यान रखें, ठीक है, ताकि बायोलॉजी आपको अंतिम ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री लेट से ख़त्म होगा, मार्च में ख़त्म होगा यदि मान लीजिए जो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको। तो आपका प्राइम गोल होना चाहिए, मैं फिर से बोल दूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री टिल जनवरी फरवरी आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, सबसे टाइम इसको रिकॉर्ड करो। दूसरा केस, चलिए दूसरा केस क्या है कि आपको जो अभी आपका टाइमिंग है, जैसे मान लीजिए किडनी का टाइमिंग आपका मॉर्निंग का होगा, ठीक है, कोई मॉर्निंग में क्लासेज जा रहे होंगे, कोई इवनिंग में क्लासेज जा रहे होंगे, कोचिंग क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी एक अपन टाइम शेड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले के लिए पहले कर ले रहे हैं, मान लीजिए सेल्फ स्टडी वाले कम से कम सुबह आप 7 से लेकर, ठीक है, आप 7 से लेकर 10 एक ये टाइमिंग फिक्स कीजिए, और इस टाइमिंग में सुबह फ्रेशनेस रहेगा, आप फिजिक्स प्रैक्टिस कीजिए इस टाइम में 7 से 10, और जो 10 से 1 वाला जो टाइमिंग है इस टाइमिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस प्रीवियस, 3 घंटे 3 घंटे बैठ के एक पेपर सॉल्व कीजिए, ताकि यही 3 घंटे तो आपको नीट में देना पड़ेगा ना 10 से 1, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर सकते हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, 10 से 1 में, या आप इसको 9 साढ़े 9 भी कर लीजिएगा, ताकि आधे घंटे के बीच में रिलैक्स हो जाए आपको, ठीक है। 1 के बाद आप खाना खाइए, सोइए 3 बजे तक आराम से 2 घंटे, फिर 3 से 6 आप केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, फिर आधे घंटे का हॉल्ट ले लेना जरूर आप, फिर 6:30 से लेकर 9:30 तक आप इस टाइम को आप आसानी से डिवोट करो फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो बच गया टाइम उसको आप बायो को डिवोट करो, ठीक है, 10 से जो भी 12 आप दे पा रहे हो तो उसको बायो को डिवोट करो। ये एक आइडियल टाइम होगा आपके लिए, ठीक है, आप इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को अभी आपको ज़्यादा टाइम देना है। उसके अलावा जो 10 से 1 का टाइमिंग है, ये 10 से 1 का जो टाइमिंग है सेल्फ स्टडी वालों 10 से 1 का जो टाइमिंग है वो आप डिवोट करो प्रैक्टिस करो ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए लगाओ, ठीक है। 3 घंटे टाइम दो, कोई भी एक प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, उसको प्रैक्टिस करो 10 से 1 के बीच में, ठीक है। जो कोचिंग वाले हैं, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं या इवनिंग शिफ्ट वाले हैं, उनके लिए मैंने पहले से शेड्यूल एक डिस्कस किया, ठीक है, आप बोलोगे तो हम कम्युनिटी टैब में उसको शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, आपको भी घबराना नहीं, जैसे मान लो क्योंकि होता है कि भाई फिजिक्स में टाइम काफी ज़्यादा लग गया, मतलब टाइम क्या होगा,
आपको ज़्यादा लग जाएगा फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेनली ये इसके साथ होता है फिजिक्स का। तो घबराना नहीं है, देखो इसे तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि फिजिक्स आप जनवरी तक कर लो, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग रहा है अभी। तो आप सोचोगे कि हाँ भाई मेरे मंथ है, मेरे पास अभी काफ़ी मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने अभी आपको थिंकिंग हुआ। लेकिन आप वही फिजिक्स करने जाओगे फरवरी में तो आपको क्या लगेगा कि भाई बस मार्च और अप्रैल ही है, इतना टाइम लग रहा है। तो उस समय आपके माइंड को ये अनस्टेबल करेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जनवरी से पहले कर लें, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस में टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा आपको, उसके लिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं फिर बोल दूँ आपको, उसके कारण आपको घबराना नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या करें ऐसे, ठीक है। फिजिक्स में टाइम लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी फिजिक्स करो अच्छे से, जितना टाइम लगाता है लगाओ, एक बार इंप्रूव कर लो फिजिक्स तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगा आने वाले समय में, ठीक है ना। और टाइम का जुडिशियसली यूज करो, ठीक है। यदि किसी समय टाइम ज़्यादा कम पड़ रहा है तो उसको टाइम बढ़ाओ आप, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मेरे बताने से नहीं होगा, टाइम आप किसी भी तरह बढ़ाओ, अपने इधर उधर टाइम भी वेस्ट करो तो, घूमने जाने में टाइम भी वेस्ट करो तो उसको रोको, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाने में टाइम वेस्ट करो उसको रोको, ठीक है। किसी भी तरह टाइम को जैसे शिफ्ट करो अपने पढ़ाई की तरफ, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखो और अपने प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग मोल्ड अप करो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा 100%। हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और मिलकर वी विल अचीव सक्सेस, और आपको 100% आप सिलेक्शन आपका होगा, 100% फिक्स है, ठीक है। बस हम लोग तो रैंक के लिए पढ़ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये लगता है कि हाँ सिलेक्शन के लिए हम लोग 100% तैयार हैं, हम लोग का मेहनत सिलेक्शन लाएगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाइए। चलिए।